भगवान कृष्ण की कथा। एक दिन कर्ण ने कृष्ण से पूछा, मेरी माँ ने मुझे जन्म के समय ही छोड़ दिया था, क्या यह मेरी गलती है कि मैं एक नाजायज संतान के रूप में पैदा हुआ? मुझे द्रोणाचार्य से शिक्षा नहीं मिली क्योंकि मुझे क्षत्रिय नहीं माना जाता था। परशुराम ने मुझे सिखाया लेकिन फिर मुझे सब कुछ भूल जाने का श्राप दे दिया। जब उन्हें पता चला कि मैं कुंती का पुत्र क्षत्रिय हूँ, द्रौपदी के स्वयंवर में मेरा अपमान हुआ था, यहाँ तक कि कुंती ने भी अपने दूसरे बेटे को बचाने के लिए आखिरकार मुझे सच बता ही दिया। कृष्ण उत्तर देते हैं, कर्ण, मैं जेल में पैदा हुआ था, मेरे जन्म से पहले ही मौत मेरा इंतजार कर रही थी। जिस रात मेरा जन्म हुआ मैं अपने जन्म के माता पिता से अलग हो गया था। आप बचपन से ही तलवारों, रथों, घोड़ों, धनुष और बाणों का शोर सुनकर बड़े हुए हैं। मुझे चलने से पहले ही गाय के झुंड का शेड, गोबर और मेरे जीवन पर कई प्रयास मिले, न सेना न शिक्षा। मैं लोगों को यह कहते सुन सकता था कि मैं उनकी सभी समस्याओं का कारण हूँ। आपने अपनी पसंद की लड़की से शादी की है, मुझे वह लड़की नहीं मिली जिससे मैं प्यार करता था, बल्कि मैंने उनसे शादी कर ली जो मुझे चाहते थे या जिन्हें मैंने राक्षसों से बचाया था। जरासंध से बचाने के लिए मुझे अपने पूरे समुदाय को यमुना के किनारे से दूर समुद्र के किनारे ले जाना पड़ा। भाग जाने पर मुझे कायर कहा गया। कर्ण, एक बात याद रखना, हर किसी के जीवन में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जीवन किसी के लिए उचित और आसान नहीं है। जीवन की नाइंसाफी आपको गलत रास्ते पर चलने का लाइसेंस नहीं देती। हमेशा याद रखें, जीवन कुछ बिंदुओं पर कठिन हो सकता है, लेकिन भाग्य हमारे द्वारा पहने जाने वाले जूतों से नहीं बल्कि हमारे द्वारा उठाए गए कदमों से बनता है।